हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रीना रियल लाइफ में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और मेरा सपोर्ट बनाए रखिए, अपने मेरे चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो फ्रेंड्स, अभी बजे हैं सुबह के 10 और मैं नहा कर आ गई हूँ। उसके बाद अभी मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ। तो दोपहर के खाने में आज बन रही है आलू बैंगन की सब्ज़ी और दाल चावल। तो ये देखिए, ये आलू बैंगन की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ और उधर जो भी सामान डब्बे वगैरह इधर उधर पड़े हुए हैं तो उसको मैं सही जगह पर रख रही हूँ, उसके सही जगह पर। तो सब्ज़ी बनाते बनाते ये सब छोटे मोटे काम मैं करते रहती हूँ इसी तरह से। तो नहाने के बाद मैं नाश्ता भी नहीं की हूँ, बस पूजा किया है मैंने। तो नाश्ते में मैंने अपने लिए बनाया है आज उपमा। तो ये देखिए, सूजी को मैं पहले से भून के रखती हूँ। जैसे सूजी आता है, जितना भी आता है, तो मैं उसे पहले भून के रख लेती हूँ, मतलब कढ़ाई में कुरकुरे भून के रख लेती हूँ। तो उसके बाद ये देखिए, बादाम, करी पत्ता और मिर्ची प्याज के साथ मैंने इसको छौंक लगाया है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा सूजी डालूंगी, बस मेरे इतना, मैं जितना खाऊंगी उतना बनाना है मुझे, क्योंकि बाकी सब लोग खा नाश्ता कर चुके हैं। तो ये मैं थोड़ा सा अपने लिए उपमा बना रही हूँ, ये बस मैं जितना खाऊंगी उतना ही मैं बना रही हूँ। वैसे मेरी सासू माँ भी नहीं खाई है, वो सबसे लास्ट में खाती हैं। जैसे हम लोग खा लेते हैं सब कोई, मैं भी खा लेती हूँ, उसके बाद मेरी सासू माँ खाती है और उनको ये उपमा वगैरह पसंद नहीं है। मतलब वैसे कभी कभार खा लेती हैं थोड़ा बहुत, पर उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। सिंपल वो दाल चावल रोटी सब्जी यही सब खाती है। तो मैं खा लूँगी, उसके बाद वो नहा कर आएँगी और उसके बाद सीधे दाल चावल बन जाएगा और वो दाल चावल ही खाएँगे। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि बहू है तो सबसे लास्ट में खाएगी, सास है तो पहले खाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ। तो बिल्कुल, मतलब जो जैसा कर सकता है, अपनी मर्ज़ी के सब मालिक हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ घरों में यह ऐसा होता है कि क्या बहू है तो कभी बेटी नहीं बन सकती है या फिर बेटी की तरह नहीं रह सकती है। तो हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी किसी भी तरह से रह सकता है यहाँ पर, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये देखिए, मेरा उपमा बन के रेडी हो गया है और अब मैं इसको प्लेट में निकालूंगी। उसके बाद पहले नाश्ता करूंगी और सब्ज़ी उधर बन रही है, मतलब पानी डाल दिया है मैंने और उसको ढक दिया है, अब वो बन जाएगी, तब तक के मैं नाश्ता कर लूंगी। तो ये उपमा उतारने के बाद मैंने इसमें चावल के लिए पानी चढ़ा दिया है। जब तक मैं नाश्ता करूंगी तब तक ये पानी गर्म हो जाएगा और कुकर में दाल चढ़ा दिया है मैंने, सब्ज़ी बन गई है। उसके बाद उपमा लेकर जा रही हूँ अभी नाश्ता करने के लिए। और खाना वाना बन जाने के बाद हम लोग खाना खा लिए थे, थोड़ा आराम करने के बाद। ये देखिए फ्रेंड्स, ये शाम का टाइम है, अभी शाम के 4:30 बजे हैं और मैं यहाँ पे कर रही हूँ शाम की साफ़ सफ़ाई। मतलब शाम में भी एक बार हम लोग झाड़ू लगाते हैं घर में, चाहे जितना भी साफ सफाई रखा जाए, पर एक बार झाड़ू से नहीं चलता है, शाम में एक बार झाड़ू तो लगाना ही पड़ता है। तो ये मैं शाम की झाड़ू लगा रही हूँ और आजकल थोड़ी थोड़ी हवा भी चलने लगी है तो धूल हो जाती है, आप ना भी चाहो तो भी, तो धूल हो जाती है। जैसे गर्मी का मौसम आ रहा है ना, तो सामने आम का पेड़ भी है हमारा, तो एक दो पत्तियां गिरती है, आम के फूल अभी बहुत गिर रहे हैं, तो वो सब उड़ के आता है तो वो गंदा हो ही जाता है। तो शाम में एक बार झाड़ू लगाना ज़रूरी होता है। तो ये सब मैं झाड़ू लगा रही हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी बर्तन धोने के लिए। ये देखिए सामने बर्तन रखा हुआ है, तो बस झाड़ू हो गया मेरा। तो झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू को सीधे धोकर रखती हूँ मैं, और अच्छा लगता है साफ़ सफाई बनाए रखना। उसके बाद ये देखिए बर्तन इतने सारे बचे हुए हैं, इनको मैं धोऊंगी। और धोने के बाद ये देखिए, यहाँ पर मुझे पौधे में थोड़ा पानी भी डालना है आज, वैसे रोज़ रोज़ नहीं डालते हैं, तो दो तीन दिन पर डालते हैं, क्योंकि धूप अभी ज़्यादा आ रही है तो फिर सूखने लगे हैं, मिट्टी सूखने लगी है, तो फिर रोज़ रोज़ डालना ज़रूरी हो जाता है। तो कल मैंने नहीं डाला था, आज डाल रही हूँ, फिर कल छोड़ के परसों डालूँगी। तो यहाँ पर मैं खींच के पाइप ले जाऊँगी, उसके बाद यहाँ रख दूँगी, तो थोड़ा देर यहाँ पर रख दूँगी तो फिर यहाँ से पानी सारा फैल जाएगा चारों तरफ,
ऐसा वहाँ पर बनाया हुआ है कि एक जगह पानी डालिए तो सारा जगह भी पानी चला जाता है अपने आप। तो इस तरह से हमने बनाया हुआ है यहाँ पर। तो फिर ये देखिए यहाँ पे पाइप मैंने लगा दिया है और इधर करी पत्ता काफ़ी अच्छा हुआ है, ये देखिए एकदम नया नया करी पत्ता है। और ये देखिए हमारा बगान यहाँ पर काफ़ी हरा भरा लग रहा है। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं रहता है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।